वादा किया था एक हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। क्या हुआ कालिया? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। तो खाली है, ये क्या बता दिया? कौन हो तुम? नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान का स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाना बेजाना। हाँ हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुँचता है, इसीलिए तुम्हें बेजाना सा लग रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए। ये देखिए, हम इन्हें एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी मौसी और चुटकी। और उसके माँ के लड्डू की वजह से मेरे को बदनाम होना पड़ा। मौसी, खेत से चुनचुन पर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। गाजर के खेत में ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था, राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। Yeah!
खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा ना किया उस पर आएगी बड़ी समस्या। हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है, खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिस पे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वही जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। अरे बहुत हुआ ये कारवां का चक्कर, मैं तो चला मेरे घर। ये सब क्या हो रहा है? कोई तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है। जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो, आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यही कहीं होगा। मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। भीम, ये आईना पहेलियों में ही बात करता है। पहेली है कुछ बच्चों की, फंस गए हैं वो एक दुनिया में, बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है। मिल गया रास्ता। जवाब मिल गया लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। जहाँ नीचे है जमीन और
ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। मदद के लिए शुक्रिया बच्चों। इस हल को छुड़ाने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ जग्गू, चलो अब एक नरम खटिया पर लंबी झपकी लगाते हैं। ये हुई ना बात, चलो चलो। शहद ले लो स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो शहद ले लो। जल्दी लाओ एक मधुकोश मुझे दे दो, आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। मधुमक्खी कितना मीठा शहद बनाती हो, लो अपना मधुकोश वापस ले लो और मुझे जाने दो। मधुमक्खी चली गई दोस्तों। मधुमक्खी चली गई और हमारी नींद भी। और तालिया के आते ही सुकून शांति निर्मलता सब गायब हो गया। छू मंत्र। मैं खतरे में था और तुम दोनों को नींद की पड़ी है। मैं तो चला, अब जी भर के झपकी मार लो। हमें जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? सब्र रखो तालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे वाह, आज जग्गू का जन्मदिन है क्या? आज केक खाने मिलेगा। कालिया तुम केक नहीं बादाम खाओ, आज मेरा जन्मदिन नहीं, जो जो तो मामा की प्रदर्शनी का दिन है। किसका मामा? दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जो जो तो मामा, और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये चलो। इस डायनासोर के दांत एकदम असली लग रहे हैं। मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया, क्योंकि वो आदि मानव तुम्हारी तरह दिख रहा है, बस एक मूंछ की कमी है। लो, वो भी पूरी कर देते हैं। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, अभी बताता हूँ। लगता है तुम्हारे बंदर दोस्त को मेरा मजाक पसंद नहीं आया। नहीं, वो बस आपको देखकर तंग रह गया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदर अभी अभी बोला। ये हमारा दोस्त है जग्गू, ये बोल सकता है, और मैं हूँ भीम। ये चुटकी राजू, ये है ढोलू और वो है भोलू और कालिया। तुमने
मेरा चित्र खराब कर दिया। सॉरी जोजो जी, उसने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगो, माफी मांगो कालिया महान, जोजो जी से माफी मांगो। सॉरी जोजो जी। चित्र खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बदले में मैं चक्कू का चित्र बना लूँगा। सच में जोजो द मामा? तुम प्रदर्शनी की सैर कराओ, तब तक मैं तैयारी करता हूँ। हाँ, कैसा अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके, लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? एक तो तेली राम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वही छोड़ आया था। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेली राम। समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए। गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जम कर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। मैं घर पर कसरत
एक करके बताओ हुआ क्या है। महाराज कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है, हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए, हमारे सिपाही इसी की छानबीन कर रहे हैं, वो चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। महाराज हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं? चोरी का सामान, भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? दोस्तों मैं चोर नहीं। मैं चोर नहीं हूँ। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक ना समझ। अरे वाह, एक केला।
के सारे लड्डू मेरे हैं। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है, लड्डू जरा संभाल के रखना भी। जरूर गालिया। सब तैयार? एक, दो, तीन। फिर से धक्का लगाओ, ऐसी कहीं के। मैं थोड़ी सी मदद करूं। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भी इतनी सी ताकत है क्या? चलो जोर से धक्का दो। जीत गया। अब लाओ मेरे सारे लड्डू। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां है ये। वाह 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 वाह, मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियाँ तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियाँ, ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर है। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बच्चों आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे, बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम तीन प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं, उससे पहले बच्चे बॉल से यूटी आउट हो गए राजा इंद्र वर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। तीसरा और आखिरी खेल, कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। अरे नहीं।
हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी।